इंसान जो है उसके लिए जरूरी है कि अपनी तरफ वो बच्चा हो। दुनिया जो सक्सेस डिफाइन कर रही है सक्सेस नहीं है, दुनिया जिसको एजुकेशन कह रही है, आने वाला वक्त जो है बच्चों को नॉलेज देने से कोई फायदा नहीं। नॉलेज कंप्यूटर के पास बहुत ज्यादा, नॉलेज रिमोट के पास बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भरी पड़ी। आपका फोन 5000 कॉन्टेक्ट सेव करता है जबकि आपको 5 कॉन्टेक्ट भी याद नहीं है। कौन सी चीज है जो आने वाले वक्त में इंसान को बचाएगी? कि इखलाक मशीन के अंदर पाया नहीं जाता। अपनी नस्ल को इखलाक सिखाओ। वो भी हाँ, वो भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो पैगंबर को खुद फरमाते हैं कि मैं मकारम इखलाक के लिए मरबूस किया गया, यानी रसूल खुदा के इखलाक ने इस्लाम को खोला। तो ये बेसिक है, ये इल्म जो नूर है जो शख्सियत के ऊपर जहूर करता है, फिर पर्सनैलिटी बाहर आती है। ये ऐसे नहीं है कि आपने 10 किताबें पढ़ ली, 10 रिसर्च कर ली और आपका अंदर का नफ्स हैवान की तरह हो, तो ये शख्सियत नहीं बन सकती। इमाम ने मगर जो हमें नहजे पर आगाम मिला वो स्काई स्क्रैपर्स, वो स्पेस और वो ड्रोन बनाने का फॉर्मूला नहीं है। इमाम जानते थे सब, मगर इमाम ने नहजुल बलागा में इंसान बनने का फॉर्मूला दिया। तो अगर इंसान बन जाएगा तो सब कुछ कर लेगा। अगर ये इल्म कैद है, शेख मुताली फरमाते हैं, अगर ये इल्म कैद में आ जाए नफ्स की, तो फिर एटम बम बनकर हिरोशिमा पे गिरता है। और अगर ये इल्म आजाद हो जाए तो ये लाइट बनाकर, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दुनिया को रोशन कर सकता है।